गुड मॉर्निंग माई डियर बच्चा, दिस इज बीना यादव, वाई वेलकम यू ऑल टू आकाश बायजूज नीट। गुड 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 मॉर्निंग बच्चे, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी स्पॉटलाइट, जिसमें आपका 11th कक्षा स्टार्ट हो चुकी है। एक चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है, विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जिस बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं करी है, ज़रूर अटेंड करना, कल की क्लास थी आपकी। आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मॉर्फोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बच्चों को ना एग्जाम्पल्स याद नहीं होते हैं, फ्लोरल फार्मूलाज याद नहीं होते हैं, फैमिली का फार्मूला दे दिया, उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और आप सर खुजाने लग जाते हैं, आप बैठ जाते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कैसे इस फैमिली के एग्जांपल्स को याद किया जाए, किस तरीके से मुझे फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला याद रह जाए ताकि मैं अपने एग्जाम में 4 नंबर को स्कोर कर पाऊँ। तो बच्चे, आज हम समझेंगे, आज हम जानेंगे वो सारे फैमिलीज, वो फार्मूलाज, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके मॉर्फोलॉजी से, पहले हम वो समझेंगे। एंड एनसीईआरटी में हर एक उस टॉपिक को, हर एक उस एरिया को स्पॉट करते हुए चलेंगे, कहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, किस ईयर में कहां से सवाल आ रहा है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऋचा यादव, गुड मॉर्निंग बेटा, सूर्य प्रकाश वर्मा, ममता हेलो, हर्षित यादव, मोहम्मद परवेज, एम्स गुड मॉर्निंग, डॉक्टर उजवा गुड मॉर्निंग। फटाफट से सारे बच्चे आ जाओ, सेशन को लाइक कर लो, इसको शेयर करो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। एनसीईआरटी स्पॉटलाइट से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो रहा है, आप समझ पा रहे हो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे किस एरिया पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स को, लाइंस को अंडरलाइन करते हैं, वहीं पे आप उसका ईयर भी मेंशन कर देते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर उजवा, स्नोफॉल हो रहा है कश्मीर में, वाओ यार मजा ही है, तुम्हारे तो मजा ही है, नेचर से इतना करीब आप रहते हो तो मजा ही आता होगा आपको। गुड मॉर्निंग सुमन कुमारी, हेलो सोनम, गीतिका राज, गुप्तेश्वर गुड मॉर्निंग, मोहम्मद तजुद्दीन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग सलोनी, हेलो पवन कुमार, प्रतीक, खुशी, शिल्पा, सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। मैम प्रॉब्लम होती है चैप्टर में एग्जांपल। खुशी कुमारी, आज आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने एग्जांपल्स आपको याद करने चाहिए। मैम मैं एनसीईआरटी के बाहर एग्जांपल पे जाऊं या ना जाऊं, वो फंडा भी आपका क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली कौन से एग्जांपल्स पूछे जाते हैं बार बार, ये फंडा भी आपका क्लियर हो जाएगा आज इसी कक्षा में। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद मी थ्रू आउट द लेक्चर। गुड मॉर्निंग पाखी, प्रिया, सलोनी, सूर्य प्रकाश, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। ठीक है जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का बेहतरीन कक्षा। स्टार्ट करने से पहले, मैंने कल की क्लास में आपसे कहा था कि आप हर एक चैप्टर में आप समझ पा रहे हो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं बार बार, वो टॉपिक्स आपके निकल आते हैं बाय द एंड ऑफ द सेशन, ये हम हर सेशन में देख रहे हैं। तो कल मैंने आपसे कहा था कि आप कॉमेंट्स में मुझे लिख करके बताना कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिससे कि बार बार हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, एंड दीज आर टॉपिक्स जहां से मोस्ट प्रोबेबली आपका 2023 में भी क्वेश्चन आने वाला है। तो मेरी प्यारी बच्ची ऋचा यादव, व्हाइट कलर से लिखती हूं, आपको दिखेगा नहीं, मेरी प्यारी स्टूडेंट ऋचा यादव जी ने बहुत ही करेक्टली सारे टॉपिक्स को मेंशन किया है कमेंट सेक्शन के अंदर, जिस जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो बाकी बच्चे, अगर आपने कमेंट नहीं किया है, अगर आप ने वो सेशन नहीं लगाया है, तो आप उस कमेंट को देख के भी समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में स्पेसिफिकली किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे हम यही प्रैक्टिस करेंगे। आज आपका मॉर्फोलॉजी खत्म होने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ऑलराइट एवरीवन, यस, सेंड मी योर थम्स अप, सेंड मी योर लिटिल हार्ट्स, कुडोज टू ऋचा यादव, सारे बच्चे लिखो पहले कमेंट सेक्शन में, कुडोज टू ऋचा यादव, सेंड सम लव फॉर ऋचा यादव, कम ऑन एवरीवन। मैम 18 को टेस्ट है, नीट 1371 के नाम से जो बच्चा 18 को जो टेस्ट है, अभी क्लास लगा लो, गिव मी 1 आवर, उसके बाद आप देखना टेस्ट में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। विदुषी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सेंड सम लव फॉर ऋचा यादव, भाई फटाफट से अप्रिशिएट करना चाहिए हमें अपने सराउंडिंग में, अपने जो फ्रेंड्स है अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको जरूर जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग आरिफ, हेलो पार्थ पाटिल, शिल्पा कुमारी, सोनी वर्मा,
ये प्यारे प्यारे थम्स अप, प्यारे प्यारे लाइक्स ऋचा यादव आपके लिए आ रहे हैं। प्रतीक कुमार, शिल्पा, अभि पटेल, यस, चलो शाबाश, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, हम हर एक क्लास में सबसे पहले उस चैप्टर का ब्यौरा लेते हैं, लास्ट 5-6 ईयर्स का, कि किस साल में कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए थे, एंड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पर्टिकुलरली किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो आप बच्चों से एक ही रिक्वायरमेंट होती है, आप अपनी एनसीईआरटी, अपने स्टिकी नोट्स, अपने पेन पेंसिल लेकर के बैठे। सारे मेरे बच्चे एनसीईआरटी स्टिकी नोट्स साथ में लेकर के बैठे हैं, यस और नो? हाँ जी, एनसीईआरटी पेन एंड पेंसिल लेकर के बैठे हैं एवरीवन? हाँ जी, सुपर। तो सबसे पहले अपने एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी ओपन करके वहां पे स्टिकी नोट लगाना है, एंड उस स्टिकी नोट पे आपने क्या लिखना है वो मैं अभी बताती हूँ। उससे पहले अभिमन्यु जी, आप मुझे थोड़ा सा छोटा साइज में करके स्क्वीज करके स्लाइड में पटक दो। हाँ, गुड, ठीक है। चलिए जी, तो हम देखते हैं एनालिसिस 2022 की। अगर हम बात करें तो आपके मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, ठीक है। 2021 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में एक सवाल था। 2020 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे वो भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। 19 की आप बात करेंगे, अगेन एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से। 18 में आपके 2 क्वेश्चन, 17 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन भी करते हुए चलूंगी। एनसीईआरटी में एग्जैक्टली कहां से क्वेश्चन आया है ये भी हम समझते हुए चलेंगे। इससे पहले हम ये भी देख लें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से बार बार हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो 17 में मेरे बच्चे रूट्स एंड फ्रूट्स वाले पार्ट से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 18 में रूट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 19 में पार्ट ऑफ फ्लावर से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर रूट से, 2021 में फ्लावर से, 2022 में स्टेम से, इन्फ्लोरेसेंस से, फ्लावर मॉडिफाइड स्टेम एंड इन्फ्लोरेसेंस। ये टॉपिक्स अभी फिलहाल लिख लो स्टिकी नोट पे एंड इस चैप्टर को छोड़ दो। चैप्टर के एंड में, ये क्लास खत्म होने के बाद, आपको दोबारा से टॉपिक्स लिखने हैं, एंड अब जो आप टॉपिक्स लिखेंगे दैट वुड बी एनालिसिस फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव सॉल्व राइट नाउ। जो हम आज की क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बेस एनालिसिस पे आप वो टॉपिक्स को लिखेंगे, ठीक है जी? हाँ जी, ठीक बात है जी, यस। तो मंदिर में आए हो, गुरु जी से आप दक्षिणा लेने आए हो, तो सबसे पहले चीज क्या करनी है आप लोगों ने, सबसे पहले सेशन को लाइक करना है, इसको शेयर करना है बच्चों, उसके बाद क्लास में एंट्री लेनी है ना। मंदिर में आने से पहले आप धोख लगाते हो, वैसे ही आपको धोख लगानी है इस मंदिर में, सेशन को लाइक एंड शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। डन है जी, चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन 2022 से हम स्टार्ट करेंगे एंड 17 तक खींच करके उसको लेकर के जाएंगे। तो सभी बच्चों को फुल एक्टिव रहना है। पहले मुझे ये बता दो फटाफट से अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे सारे बच्चों ने अपनी एनसीईआरटी की प्यारी सी किताब अपने पास में रखी है, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन, यस और नो, एनसीईआरटी की किताब अपने पास में रखी है, एक पेंसिल कलर्ड पेन अपने साथ में रखा है, यस और नो? यस, गुप्तेश्वर रखा है एनसीईआरटी, यस 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 रखा है सबने। चलिए आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। सुपर्ब 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 एवरीवन, सुपर्ब, आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल नीट 2022 का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन। 2022 में ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान के चले कि हमेशा ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, बट हमको फुली प्रिपेयर जरूर रहना चाहिए हर एक चीज के लिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कोई बुराई नहीं है, बस टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम होता है, दैट्स द ओनली थिंग, नथिंग एल्स, ठीक है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने आ चुका है। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन,
सिमेट्री के हिसाब से आप फ्लावर्स को डिवाइड कर सकते हो। कुछ फ्लावर्स आपके एसिमेट्रिकल होते हैं कि आप किसी भी प्लेन में कट कीजिए वो दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, उस फ्लावर को आप एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। देन कम सिमेट्रिकल फ्लावर कि अगर आप किसी प्लेन में कट करते हैं तो वो फ्लावर आपका दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो पाए। तो अगर सिर्फ एक ही प्लेन है तो कुछ और शब्द आप यूज करते हैं, एक से ज्यादा प्लेन है तो कुछ और शब्द आप यूज करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी से हमेशा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, सलोनी, प्रिया, सुमन, सज्जन, पाखी, हर्ष, गीतिका, जल्दी आ जा भाई, डॉक्टर ईशा, आरिफ, सलोनी, प्रतीक, अभिमन्यु जी, प्रतीक का आप कमेंट देख लो। मेरे बच्चे जान जाएंगे सारी टीम को मुझे लगता है। हाँ जी, सचिन, पाखी, सुपर। तो बच्चे पहले एनसीईआरटी ओपन करो, एनसीईआरटी ओपन करेंगे मेरे सारे बच्चे, पेज नंबर 72 पे आ जाओ, 72 पेज नंबर एवरीवन। हाँ जी, ओपन किया, यस, जहां पे की जिक्र किया गया है आपका सिमेट्री का, तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है इन सिमेट्री द फ्लावर्स मे बी एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको कि आप रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और जाइगोमॉर्फिक, जिसको कि आप बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, एक से ज्यादा प्लेन में अगर आप कट करो और वो दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाता है उसको आप कहते हैं जी एक्टिनो मॉर्फिक। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन, तो उसको आप कहते हैं मेरे बच्चे जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल अगर आपने याद करने हैं तो आपने वो एडवर्टाइजमेंट सुना है एमडीएच, एमडीएच, एमडीएच के मसाले आते हैं ना, तो एमडीएच की जगह पे यहां पे आप एमडीसी याद कर लो। एम स्टैंड्स फॉर मस्टर्ड, डी स्टैंड्स फॉर दतूरा, एंड सी स्टैंड्स फॉर योर चिली, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। यस, एम डी एच नहीं, ये है एम डी सी, दिस इज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। सिमेट्री वाइज आप डिवाइड कर रहे हैं, रेडियल सिमेट्री इसकी होती है, ये दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाता है एक से ज्यादा प्लेन में अगर आप कट करेंगे तो भी, दिस फ्लावर वुड बी एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू टू इक्वल हाफ्स, दैट वुड बी योर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट से कमेंट्स में एटीपीज, एटीपीज इन द कमेंट सेक्शन। यस, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट इज योर जाइगोमॉर्फिक, इसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, माने वी हैव जस्ट वन प्लेन जिसमें आप इसको कट करके दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर पाए, मेरे पास एक ही प्लेन है उसको आप जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। पी, गुलमोहर, बीन, केशिया, ये चार एग्जाम्पल आपके जाइगोमॉर्फिक के हैं। पी आपका फेबिएसी फैमिली वाला, फेबिएसी फैमिली वाला, पी, बीन, गुलमोहर एंड केशिया, ठीक है जी। एक और एग्जांपल याद कर लो मेरे कहने से, हालांकि क्वेश्चन इस पे बना नहीं है बट बन सकता है, यू नेवर नो। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिकल इररेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकुलर प्लेन, किसी भी वर्टिकल प्लेन से में आप कट करो वो दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उस फ्लावर को आप ए सिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। ये पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करके यहाँ पे आपने नीट 2022 मेंशन कर लेना है, अभी फिलहाल 2022 कर लो, अभी बाकी ईयर्स आएंगे वो ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। परवेज क्लियर है? प्रतीक क्लियर बात है? हाँ जी, बाकी ईयर्स आप ऐड करते हुए चले जाना। तान्या बिल्कुल परफेक्ट, अलम बिल्कुल परफेक्ट। एग्जांपल एसिमेट्रिकल का है, मैं यहां लिख देती हूं, मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, विच इज कैना फ्लावर। तो आप ये फ्लावर वाला पार्ट, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल फ्लावर्स, अभी एग्जांपल अभी तो मैम ने बता दिए, अभी याद है ताजा ताजा, बाद में भूल जाओगे। क्या करना है, स्टिकी नोट में से एक और स्टिकी नोट निकालो, यहाँ पे ही इसी पेज पे लगा दो, उस पर लिख देना एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल, सिर्फ एग्जाम्पल्स लिख दो उस पर, और कुछ भी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स, क्लास के बाद करना है ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स लिख दो वहां पे, एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल, जाइगो के एंड एसिमेट्रिकल के। डन एंड डस्टेड, फर्स्ट क्वेश्चन येस और नो इन द कॉमेंट बॉक्स, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी, बी एंड सी, गुलमोहर, केशिया।
है ना, पी होता बीन होता तो भी आपका वो जाइगोमॉर्फिक ही फ्लावर्स है। आ गया समझ, यस और नो? एक्टिनोमॉर्फिक इज मस्टर्ड दतूरा चिली, MDC, मस्टर्ड दतूरा चिली इज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। ये एग्जाम्पल्स चारों आपके हैं जाइगोमॉर्फिक के। कहना हो गया आपका एसिमेट्रिकल का, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। रितेश बेटा आप आकाश बायजूस नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको कोई किताब एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन सारे मॉक टेस्ट सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड क्लास में एकदम लीन हो जाओ, आप लीन होकर के पढ़ाई करो। फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, डन एंड डस्टेड, यस और नो? यस और नो? प्रतीक, सज्जन, सुमन, ऋचा, मोहम्मद परवेज, बाकी, यस, सिंपल। 2022 का क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए टाइम व्यतीत करना पड़ा होगा, है ना। चलो आ जाओ नंबर टू पे, क्वेश्चन नंबर टू। माय गुडनेस इतना बड़ा क्वेश्चन, मेरे बच्चे घबरा गए देख के, इतना बड़ा क्वेश्चन। मैं हमेशा कहती हूँ बड़ा क्वेश्चन मतलब आंसर इजी, उसमें कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। छोटे क्वेश्चन में ना कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन जरूर ऐड करता है एग्जामिनर, बट बड़े क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन के चांसेस आपके नहीं छोड़ता है। नंबर टू नीट 2022 का क्वेश्चन है बच्चे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मेरा बच्चा करेक्ट को करेगा अंडरलाइन, टिक मार्क। मुझको सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है आउट ऑफ दीज फाइव स्टेटमेंट। वन बाई वन मैं पढ़ता हुआ चलूंगा, सही है कि नहीं है ये फाइंड आउट करता हुआ चलूंगा एंड सेशन को लाइक एंड शेयर करता हुआ भी चलूंगा, ठीक है। नंबर वन, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। सिट्रस एंड बोगनविलिया में थॉर्न्स पाए जाते हैं, बट उसमें लीफलेट का मॉडिफिकेशन है या नहीं है जानने के लिए बने रहना है पूरी क्लास में। नंबर टू, एक्सलरी बर्ड्स फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन क्यूकम्बर एंड पंपकिन। नंबर थ्री, स्टेम इज फ्लैटन एंड फ्लैशी इन ओपेंशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। ओपेंशिया के केस में लीव्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नंबर डी स्टेटमेंट, राइजोफोरा दे शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स, ऊपर की तरफ रूट्स आपकी आ रही है एंड दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। देखते हैं स्टेटमेंट को भी। नंबर ई, सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। पांच स्टेटमेंट, पांचों स्टेटमेंट को देखते हैं अपने एनसीईआरटी की किताब से। आ जाओ मेरे सारे बच्चे एनसीईआरटी ओपन कर लो, वन बाय वन देखते हुए चलते हैं। वन बाय वन पेज नंबर 68 ओपन किया, यस और नो इन द चैट बॉक्स। पेज नंबर 68 सारे बच्चे, जहां पे आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दिया हुआ है, पेज नंबर 68, यहां पे एनसीईआरटी लिखती है आपकी स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए वो स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, दैट इज माय टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल्स व्हिच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स आर सिलेंड्रिकल एंड स्पाइरली कॉइल्ड। स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है एंड दे हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच एज इन गॉड्स। गॉड्स फैमिली जिसमें आपका कुकुम्बर आ गया, पंपकिन आ गया, वाटरमेलन आ गया एंड ग्रेप वाइन आ गया। तो टेंड्रिल के आगे आप लिख लेंगे ये चारों एग्जाम्पल। फिर से क्या करना है मेरे को बता दो सारे बच्चे, एक और स्टिकी नोट निकालना है, एक और स्टिकी नोट निकालना है। यहाँ पे टेंड्रिल लिखना है, उसके आगे सिर्फ एग्जाम्पल, गॉड्स फैमिली, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, ये चार एग्जाम्पल आपने लिख करके यहाँ पे टेंड्रिल के सामने रख देने हैं। यस एवरीवन, स्टिकी नोट निकालना है। इस चैप्टर में जहां जहां पे एग्जाम्पल है वहां वहां पे आप एनसीईआरटी में अलग से स्टिकी नोट पे एग्जाम्पल जरूर लिख लेंगे। जितना लिखेंगे उतना आपके मस्तिष्क में ज्यादा याद रहेगा, ठीक बात है। तो याद रखने के लिए कोई अलग से कुछ मेमोरी बूस्टर प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है, याद रखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। प्रोटीन से याद नहीं होगा, रिवीजन से प्रैक्टिस से ही आपको याद होगा, ठीक है। वो बाबा की गोलियां मत खाना शुरू कर देना, कैसे अपनी याद करने की क्षमता को बढ़ाए, वो वाली गोलियां नहीं खानी है, ठीक है। चलो शाबाश, तो हमने टेंड्रिल्स लिखा यहाँ पे विच इज स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी एग्जाम्पल्स,
कुकुम्बर लिख दिया, मैंने पंपकिन लिख दिया, वाटरमेलन लिख दिया एंड ग्रेप वाइन लिख दिया, लिख दिया। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन इज एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम मे ऑल्सो गेट मॉडिफाइड। जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं दे ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इन टू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। थॉर्न्स कांटे वाला स्ट्रक्चर जो है। अब थॉर्न्स का इंपॉर्टेंस क्या है? कोई भी ब्राउजिंग एनिमल है, ग्रेजिंग एनिमल है, वो आता है प्लांट को खाने के लिए। अब प्लांट नहीं चाहता ना कि तुम आओ आराम से मुझे खा के चले जाओ, तो प्लांट ने कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बना लिए अपने अंदर ताकि ग्रेजिंग एनिमल्स से अपने आप को वो बचा सके। सो इट इज अ वे ऑफ प्रोटेक्शन वी कैन सी। ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम मे ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इन टू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस, बोगनविलिया। सिट्रस, नींबू का पेड़ देखा आप लोगों ने? नींबू का पेड़ देखा है? उसमें आप देखना कैसे बीच बीच में कांटे लगे हुए होते हैं, है ना, वो आपके थॉर्न्स होते हैं। किसका मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। सम प्लांट्स ऑफ एरिड एरियाज मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड ओपेंशिया और फ्लैशी सिलिंड्रिकल यूफोर्बिया स्ट्रक्चर। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो तीन बातें हमने यहाँ पे पढ़ी। ओपेंशिया के अंदर आपका स्टेम मॉडिफाई हो गया है, क्लोरोफिल ए उसमें प्रेजेंट है, फ्लैट स्ट्रक्चर उसने बना लिया है एंड उसने फोटोसिंथेसाइज करना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, यस, तीन बातें हमने पढ़ी जो तीनों स्टेटमेंट आपको लिखी हुई थी इस क्वेश्चन में। कोई भी स्टेटमेंट कहीं से भी बाहर से बिल्कुल भी नहीं थी। चलते हैं आगे रूट्स के मॉडिफिकेशन पे। पेज नंबर 67 मेरे बच्चों। हाँ जी, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल सही बात है। पेज नंबर 67 अलम जल्दी आ जाओ, आरिफ ग्रेट लिखते हुए 67 पे आ जाओ मेरे बच्चे, फटाफट 67 रूट के मॉडिफिकेशन के बात करते हैं। एग्जामिनर को ले देके एक ही एग्जाम्पल बड़ा प्यारा लगता है, विच इज राइजोफोरा, जिसका डायग्राम भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। नहीं नहीं ये तो बेनियन ट्री का डायग्राम है, ये बेनियन ट्री का डायग्राम है, प्रॉप रूट्स वाला। हाँ जी, प्रॉप रूट्स पे भी क्वेश्चन आता है बट एग्जामिनर का फेवरेट इज राइजोफोरा। राइजोफोरा जो कि स्वैम्पी एरियाज में, जो कि मार्शी एरियाज में ग्रो करता है। जो प्लांट मार्शी एरियाज में, स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं जी हेलोफाइट्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? हेलोफाइट्स। तो जो हेलोफाइट्स है वो आपका, उसका एग्जांपल आपका राइजोफोरा। इसमें क्या ऐसी खास बात है? इसके अंदर ना जो रूट्स होती है दे कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। मैम रूट्स तो ग्राउंड के अंदर जाती है, वर्टिकली डाउनवर्ड जाती है, इसमें ये क्या अलग सा फंडा है? इसमें रूट्स बाहर क्यों आ रही है? तो इसमें रूट्स बाहर आ रही है फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। इस प्लांट में रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती है। वो रेस्पिरेटरी रूट्स को आप निमेटोफोर्स कहते हैं। निमेटोफोर्स, फोर्स बोल रही हूं मैं। हाँ जी, यहाँ लिख देते हैं हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे निमेटोफोर्स की। निमेटोफोर्स क्या होती हैं जी? ये होती हैं आपकी रेस्पिरेटरी रूट्स। क्या है मेरे बच्चे? बोलो मैम, रेस्पिरेटरी रूट्स हैं। ये जो निमेटोफोर्स है इसमें पोर्स पाए जाते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर। कैसे रेस्पायर करेगा? उस पोर्स के थ्रू। उस पोर्स को क्या कहते हैं मैम? निमेटोथोर्स कहते हैं। तो निमेटोथोर्स तो वो पोर्स हैं जहां से रूट रेस्पायर कर रही है। निमेटोफोर्स वो पोर्स है। निमेटोफोर्स आपकी रेस्पिरेटरी रूट्स है। कहां पाई जाती है मैम? ये हेलोफाइट में पाई जाती है। कौन सा हेलोफाइट स्पेसिफिकली मैम? एनसीईआरटी ने एग्जांपल तो दिया है राइजोफोरा का, तो क्या यही एग्जांपल हम याद कर ले? जी हाँ बिल्कुल, आप यही एग्जांपल को याद कर लीजिए। राइजोफोरा का एग्जाम्पल याद कर लो, जिंदगी सवर जाएगी। अभी समझ में आएगी मेरी बात थोड़ी देर के बाद। तो इसको आप करेंगे अंडरलाइन, लिख लेंगे 2020 टू। एम आई क्लियर टू ऑल माई बच्चाज आउट देयर? एम आई क्लियर टू ऑल माई बच्चाज आउट देयर? एनी डाउट? यस यस, सारे बच्चे मेरे साथ हो ना? मेरे साथ हो सारे बच्चे? यस और नो? यस और नो? सारे बच्चे मेरे साथ हो? सेशन को लाइक शेयर करते चलना, मेरे साथ जुड़े हुए चलना, मजा आता रहेगा पूरी क्लास में ऐसे। ठीक है, चलो चलते हैं जी आगे। पेज नंबर 69 पे भी आ जाओ भाई।
स्टेटमेंट्स खूब सारी थी, तो सारी स्टेटमेंट्स का फंडा क्लियर कर लेते हैं. यू आर वॉचिंग माई ऑल रिकॉर्डेड वीडियोज. थैंक यू सो मच बेटा, एंड आई एम ग्लैड कि आप लाइव भी आए हैं क्लास में, बिकॉज लाइव आने में, पढ़ने में, साथ साथ समझने में अलग ही मजा, आपको याद हो जाता है ना. रिकॉर्डेड में तो आप 2x करके, 3x करके देख लेते हो. 3x तो होता नहीं है, 2x ही होता है भाई लास्ट. यस हाँ, तो यहाँ पे मेरे साथ साथ आप याद करते हुए चलते हैं. वो जो आप 1.5 आवर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको आपको बेस्ट रिटर्न मिलते हैं यहाँ पे. हाँ जी, चलो नेक्स्ट पेज नंबर 69 पे आ जाओ. अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी. ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, एनसीईआरटी ने ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी दो एग्जांपल दिए हैं. दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं. स्प्रेड टू न्यू निकीज एंड व्हेन ओल्डर प्लांट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड. ये आपकी रनर्स की बात कर रहा है, जो कि आपका नंबर डी में दिया हुआ है. तो रनर्स जो है, आपके रनर्स जो भागते हुए आपको दिखते हैं ना, तो पुराने वाला मरता जाता है, नया आपका फॉर्म होता चला जाता है. दिस इज योर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम. हाँ मैम, 2x पे देखते हैं. हाँ मुझे पता है ना रोहित कुमार, आई नो, हम भी यही करते हैं, आप भी यही करोगे, सिंपल सी बात है. सुमन का बायजूस में 2x नहीं होना चाहिए. बायजूस में ये जिस स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसी स्पीड पे पढ़ाई करनी है. इसके अलग बेनिफिट्स आपको आएगा समझ में. ठीक है जी, चलो सारी स्टेटमेंट्स हमने पढ़ लिए. बच्चे आते हैं हम वापस से अपने सवाल पे. क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई थी, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई थी. बी सी डी ई तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसी क्या गलती है जरा बता दो मेरे को. द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया. सिट्रस एंड बोगनविलिया में थॉर्न्स बनते हैं, बट किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्या गलती है जरा ढूंढ के निकालो फटाफट से. मैम लीफलेट की जगह पे क्या होना चाहिए था? जल्दी इन द चैट बॉक्स फटाफट, एक सेकेंड में फटाफट, कम ऑन कम ऑन. लीफ, वेरी गुड सोनी वर्मा. मैम यहाँ पे स्टेम होना चाहिए था, क्योंकि क्योंकि स्पेसिफिकली सिट्रस एंड बोगनविलिया के केस में जो थॉर्न बन रहे हैं, दे आर मॉडिफाइड स्टेम, ना कि मॉडिफाइड लीफ. एम आई क्लियर टू ऑल माई बच्चाज आउट देयर? एम आई क्लियर? हाँ जी स्टीम, नहीं प्रतीक, स्टेम होना चाहिए था, स्टीम स्टेम होना चाहिए था. ठीक बात है, बाकी आपके सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. अभी अभी सारे स्टेटमेंट्स आपको एनसीईआरटी से मैं दिखा चुकी हूं. सिंपल क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई होती, कोई एग्जांपल भी बाहर से नहीं पूछा हुआ है. वही का वही एग्जांपल ओपेंशिया दे दिया है, वही का वही कुकुम्बर एंड पंपकिन दे दिया है ना. आपका राइजोफोरा जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपके एग्जामिनर को. Then we have grasses and strawberry. As it is lines उठा करके दे दिए. बस लंबा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, तो टाइम मैनेज करते हुए अगर आप चलेंगे तो ये क्वेश्चन ना काफी इजी होते हैं. इसमें कुछ ऐसे अलग से तिकड़मबाजी नहीं होती है, ठीक है. अलग से एग्जामिनर ने कुछ अलग नहीं टेस्ट करना है, सिर्फ आपका टाइम मैनेजमेंट टेस्ट कर रहा है इस क्वेश्चन के तहत. इसी बात पे चलते हैं अगले सवाल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, 2022 का अगला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मेरे प्यारे बच्चों अगले सवाल पे आ जाओ. सिली मिस्टेक, प्रतीक कुमार बेटा एग्जामिनर तो चाहता ही आपसे सिली मिस्टेक कराना. सिली मिस्टेक करोगे तभी तो उस 20 लाख बच्चों में सिलेक्शन हो पाएगा, है ना. यस, एग्जामिनर तो यही चाहता ना कि वो नैरो डाउन करके ले आए उतनी सीट्स पे जितने की बच्चे हैं, तो इसलिए ऐसे सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे. ठीक है, तो आपको अटेंटिव रहना है, सावधान, सतर्क, अटेंटिव, तीनों चीजें रहनी है आपने. एनसीईआरटी को बार बार पढ़े फिर भूल जाते हैं. सुमन कुमार सारे क्लासेस लगा ले बेटा, उसके बाद फिर से बात करूंगी मैं आपसे, है ना, कि भूल पा रहे हो कि आपके दिमाग में छप गई है सारी चीजें. चलो नीट 2022 क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शोज वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायएडल्फस स्टेमन. एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन. देखिए एनसीईआरटी में कहां एग्जांपल दिया हुआ है, आ जाओ पेज नंबर 79 पे. पेज नंबर 79 पे आ जाओ जी.
जहां पे कि आपको फ्लोरल कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां पे आपको मेंशन किया हुआ है कि वेक्सलरी एस्टिवेशन एंड्रोजियम आपके 10 है, जो कि डाई एडल्फस कंडीशन में पाए जाते हैं। डाई एडल्फस क्या होता है जी? जब आपके बंडल्स फॉर्म हो रहे, एक ही बंडल फॉर्म होता है सारे स्टेमन से, मोनो एडल्फस बोल देंगे। दो बंडल्स फॉर्म होते हैं डाई एडल्फस, दो से ज्यादा पॉली एडल्फस आप बोल देते हैं। अब दो बंडल्स में यहाँ पे वी हैव टोटल 10 स्टेमन, तो एक बंडल में 9 स्टेमन है, एक में सिर्फ एक ही स्टेमन है, तो देयर बाय वी हैव टू बंडल्स, कंडीशन इज डाई एडल्फस। किसकी बात कर रहे हैं भाई हम? किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पी प्लांट की। हम बात कर रहे हैं उस प्लांट की जो आजकल आपकी मम्मी बहुत ही मार्केट से खरीद के ला रही है और शाम को आपको बोल देती है या आपके पापा को बोल देती है कि लो जी थोड़ा मटर छिलके रख दो ताकि मैं सब्जी में, ताकि मैं पोहे में उसको इस्तेमाल कर पाऊं। तो बैठ करके आप छील रहे होते हो और छीलने की बजाय ज्यादा आप खा रहे होते हो, कम आप छील के उस डब्बे में डाल रहे होते हो, ज्यादा खाते हो कम डब्बे में डालते हो, है ना? ऐसा ही करते हो, पापा भी यही कर रहे होते हैं। पापा आपको बोल रहे होते हैं मत बताना मम्मी को, और आप पापा को बोल रहे हो तो आप भी मत बताना मम्मी को, हम खा लेते हैं डब्बे में कम डालते हैं, ठीक है? हम बात करें उसी पी प्लांट की, साइंटिफिक नेम इज पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम वेक्सलरी एस्टिवेशन है जी। एंड्रोजियम की बात करेंगे, डाई एडल्फस कंडीशन पाई जाती है, माने वी हैव टू बंडल्स, एक बंडल में आपके 9 स्टेमन है, दूसरे बंडल में आपका बस एक है, बस एक है, है ना? ऐसा होता है ना सचिन, रिया शर्मा, सज्जन, शिल्पा, है ना? सबके घर में यही होता है। ट्रू। चलो शाबाश, तो क्वेश्चन का आंसर तो बड़ा ही इजी हो गया है, बड़ा ही इजी हो गया क्वेश्चन का आंसर। वेक्सलरी एस्टिवेशन डाई एडल्फस स्टेमन कहाँ है जी? पाइजम सटाइवम में। नीट 2022 के हमने तीन सवाल आए थे, तीनों सवाल करे, मुझको ये बताओ कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे, ये तीन सवाल में से कोई भी एग्जांपल एनसीईआरटी के बाहर था, यस और नो? कोई भी एग्जांपल एनसीईआरटी के बाहर था, यस और नो, इन द कमेंट बॉक्स जल्दी बता दो। कोई एग्जाम्पल लगा ऐसा जिसके लिए आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता हो? कोई एग्जाम्पल लगा? सज्जन, रिचा, सुमन, मोहम्मद परवेज, लगा? नहीं मैम, सारे के सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ही दिए हुए थे, एज इट इज एग्जाम्पल लिखे हुए थे स्टेटमेंट्स के साथ में। एंड अगर हमने यही एग्जाम्पल टिप्स पे कर लिए होते तो हम एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर रहे होते, हमने सारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करे होते, ठीक है जी? अगर ये बात है, अब आगे आने वाले क्वेश्चन आप ठीक करेंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं मेरे बच्चे? नहीं था मैम, ये प्रॉमिस कर रहे हैं मेरे बच्चे कि अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में गलतियां नहीं करेंगे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। आगे आने वाले क्वेश्चन मतलब हम बात करें 2023 की, ठीक है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, सुपर। थोड़ा प्यार प्यार बरसाते चलो, प्यार बांटते चलो, सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलो, ठीक है? सुकृति, डाउट है तो प्लीज डाउट को पोस्ट करो फटाफट से। कुहू कुमारी है ना, बड़े दिन बाद देखा मैंने कुहू कुमारी आपका नेम। यस मैम, प्रॉमिस प्रॉमिस। चिन्मय पाटिल, प्रॉमिस प्रॉमिस। आ जाओ फिर आगे 2021 पे देख लेते हैं। अगर अगर मैं 2022 का बच्चा हूं जिसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है और मैंने मैम के कहने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होता तो मैं एक क्वेश्चन करेक्ट कर पाता जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2021 में आया था। ये क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व किया होता तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर पाता जो नीट 2022 में आया था। मैं सही बात बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? यस yes, बोल रही हूँ सही बात। हाँ मैम, बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ। देख लो क्वेश्चन नंबर 4, बात में थोड़ा सा और दम महसूस होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 4 पे आ जाओ, डाई एडल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन चाइना रोज एंड सिट्रस, चाइना रोज, सिट्रस एंड पी प्लांट। किसमें? हाँ जी, किसमें? बोला मैम पी प्लांट। अभी अभी सॉल्व करके आए हैं, एग्जामिनर को लगा कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, इसलिए एग्जामिनर ने क्या किया, पी की जगह पे पाइजम सटाइवम लिख दिया। कितना इंटेलिजेंस वाली बात करी है, कितना इंटेलिजेंसी वाली बात करी है, समझ पा रहे हैं? तो मुझे बता दो चैट बॉक्स में भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है?
यस इन द चैट बॉक्स, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये बार बार हम समझ पा रहे हैं। यस ये हम हर एक चैप्टर में समझ पा रहे हैं, फिर भी हम सीरियस होकर के हर एक चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, फिर भी हम मैम की बात मान करके कंसिस्टेंट नहीं है क्लासेस में, है ना। तो अगर नीट 2022 वाले बच्चे ने क्वेश्चन को सोल्व किया होता तो वो चार नंबर तो बड़ा इजीली घर लेकर के चले जाता। देख लेते हैं एनसीईआरटी में कहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है। हमने पहले ही एक और पेज पे इसको मेंशन करा के मैंने आपको दिखाया, फैमिली वाले पार्ट में भी सेम चीज लिखी हुई है। उसके साथ साथ पेज नंबर 75 पे जहाँ पे एंड्रोजियम का जिक्र किया हुआ है एनसीईआरटी ने, एंड्रोजियम पे जहाँ पे एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया हुआ है कि भाई एपिपेटलस क्या होता है, एपिफाइलस क्या होता है, एडल्फस कंडीशन क्या होती है, एंड्रस कंडीशन क्या होती है। तो एडल्फस कंडीशन होती है बच्चे जब आपके स्टेमेंस ग्रुप में पाए जाएं, तो मोनो एडल्फस जब एक ही बंडल हो, यूनाइट हो करके एक ही बंडल को फॉर्म करे, उसको आप कहते हैं जी मोनो एडल्फस। एग्जांपल बता दो मैम, एग्जांपल इज चाइना रोज, चाइना रोज जो कि एग्जामिनर ने आपको गुमराह करने के लिए लिखा हुआ था, चाइना रोज। यस बट यहाँ पे तो मोनो एडल्फस कंडीशन पाई जाती है। चलिए जी आगे पढ़ते हैं, टू बंडल्स विच इज डाई एडल्फस। एग्जाम्पल बता दो मैम, पी प्लांट जहां पे 9+1 कंडीशन पाई जाती है, 9+1, 9 स्टेमन एक बंडल में, एक स्टेमन अपना दूसरे बंडल में, ठीक बात है जी। चलो जी आगे चलते हैं, इनटू मोर देन टू बंडल्स व्हिच इज पॉलीएडल्फस। एग्जांपल बता दो मैम, सिट्रस प्लांट। तो देखो एग्जामिनर कितना चला गया, तीनों एग्जांपल्स तुम्हारे को दिए हुए हैं, चाइना रोज भी, सिट्रस भी, पी प्लांट भी। क्यों? क्योंकि आपको गुमराह कर पाए। तो आपने क्या करना है, एंड्रोजियम के यहाँ पे मुझे लगाना है जी एक मेरा स्टिकी नोट। स्टिकी नोट पे मैं लिख दूंगा कक्षा के बाद में मोनो एडल्फस का एग्जाम्पल, डाई एडल्फस का एग्जाम्पल एंड पॉली एडल्फस का एग्जाम्पल, ताकि मुझे हमेशा के लिए ये बात, ये तथ्य याद रह पाए, ठीक है। मैम सेकंड क्वेश्चन में लास्ट ऑप्शन अंडरग्राउंड होना चाहिए था ना, सब एरियल दिया गया है, सब एरियल दिया गया है। बेटा रनर्स सकर्स आपके सब एरियल ही तो होते हैं। सुकृति कहां कंफ्यूज आ गए हो, सब एरियल ही तो होते हैं, मॉडिफिकेशंस आपके एरियल होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, सब एरियल होते हैं, है ना, जो हाफ हाफ वे में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, तो वो सब एरियल का ही तो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था बेटा सुकृति, ठीक है। चलो सुपर, एम आई क्लियर इन दिस क्वेश्चन, आंसर आपका क्या है, पी प्लांट। बता दो कोई समस्या, कोई डाउट, कोई समस्या इस सवाल तक अगर है तो जरूर पूछ लो। अनुराधा बायो गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी आ जा भाई, मंदिर में धोख लगाते हुए आना है, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलो बच्चों, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी आओ सारे बच्चे, लेट मत किया करो यार, आ जाओ नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 2021 का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। एक ट्रिक बताती हूँ बड़ी शानदार सी, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, बड़ी बढ़िया सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। यस बढ़िया सी ट्रिक, आपके एनसीईआरटी में ब्रैसिकेसी, लिलिएसी, फैबिएसी, सोलेनेसी चार ही फैमिलीज का जिक्र है, चार ही फैमिलीज का जिक्र है। ये चारों फैमिली में अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला दिया हो तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक सेकंड में अभी मेरे साथ बने रहिए, मैम आपको समझाती है, पहले समझ लो फिर बड़ा इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एनसीईआरटी पे आ जाओ, एनसीईआरटी में ना आपको पेज नंबर 78 पे सबसे पहले ब्रैसिकेसी फैमिली का जिक्र किया हुआ है, बाकी फैबिएसी, लिलिएसी, सोलेनेसी का अलग से कंपैरिजन किया हुआ है। तो ब्रैसिकेसी में आप बस ये याद रखना कि आपका गाइनोजियम 2 प्रेजेंट है एंड दोनों फ्यूज कंडीशन में पाए जाते हैं। फ्यूज वाले के लिए हम उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, एज सिंपल एज दैट, क्या करते हैं ब्रैकेट में रख देते हैं। तो ब्रैसिकेसी फैमिली का अलग से आपको फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें 2 जो है गाइनोजियम में वो ब्रैकेट में पाया जाता है, कहां पाया जाता है ब्रैकेट में, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से पहले, उसके बाद में कुछ और लिखना बच्चों, रुक जाओ एक बारी कॉमेंट सेक्शन में,
ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी ने मुझे जिक्र किया हुआ है फैबिएसी का, सोलिनेसी का एंड लिलिएसी का। तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ बच्चों को, एक पूरा सेशन भी है मेरा, पूरे फ्लोरल फॉर्मूला के ऊपर वो सेशन है, बट इस क्वेश्चन को आप कैसे कम समय में कर सकते हो उसके लिए फटाफट से एक ट्रिक मैं बता रही हूँ। पूरा फ्लोरल फॉर्मूला देखना है कि कैसे आप याद रख सकते हो, उसके लिए एक अलग से सेशन है ऑलरेडी आकाश बायजूस नीट के ऊपर ही है, आप बाई बीना मैम डालो आपको मिल जाएगा। हाँ जी, तो आपकी तीन फैमिलीज है फैबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। मेरे जितने भी बच्चे हैं अगर मैं कोई टेस्ट कंडक्ट करती हूँ तो एक मेरा बच्चा आएगा फर्स्ट, विच इज फैबिएसी फैमिली। एक मेरा बच्चा आएगा सेकेंड, विच इज सोलेनेसी फैमिली। एक मेरा बच्चा होगा जो लास्ट आएगा, विच इज लिलिएसी फैमिली, विच इज लिलिएसी फैमिली। तो फ्लोरल फॉर्मूला में आप गाइनोजियम लिखते हो लास्ट में, गाइनोजियम के नीचे अगर एक लिखा हुआ है मतलब मेरा फर्स्ट वाला बच्चा है, मेरा बच्चा जो फर्स्ट आया, फर्स्ट मतलब फैबिएसी फैमिली, फर्स्ट मतलब फैबिएसी फैमिली। ठीक है, जो बच्चा मेरा सेकंड आया वो देख लो एक बार, यहां पे आपको टू लिखा हुआ है, गाइनोजियम के नीचे टू लिखा है मतलब आपकी सोलेनेसी फैमिली। जो बच्चा मेरा लास्ट आया गाइनोशियम में थ्री लिखा हुआ है मतलब मेरी लिलिएसी फैमिली। यस, तो फर्स्ट फैबिएसी, सेकंड सोलेनेसी, लास्ट लिलिएसी। सिर्फ गाइनोजियम को देख करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। डिटेल्ड में अगर फॉर्मूला याद करना है आपको तो आपके लिए एक अलग से सेशन मैंने किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज के ऊपर, जिसको कि आप इजिली याद कर पाएंगे कंपेयर करके तीनों को। ठीक है, हाँ जी, अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर फटाफट से। मैच द कॉलम करना था आपने, मैच द कॉलम करना था आपने। फर्स्ट लिखा हुआ है, ओहो व्हाइट पे व्हाइट कैसे चलेगा, क्या बात कर रहे हैं मैम। फर्स्ट लिखा हुआ है तो क्या है ये, जल्दी बताओ, फर्स्ट लिखा हुआ है क्या है ये मैम। फर्स्ट बच्चा तो फेबीएसी है, फर्स्ट बच्चा तो फैबिएसी है। थ्री लिखा हुआ है क्या है मैम, लास्ट बच्चा लिलिएसी है। मुझे फटाफट से बता दो क्या इस क्वेश्चन को कम समय में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, फटाफट से कमेंट सेक्शन में। सुमन कुमार भाई मेरा नाम है बीना यादव, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो आपको मिल जाएंगे दुनिया भर के लेक्चर। ठीक है, कम समय में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बता दो फटाफट से, मैच कर लो इसको। फर्स्ट थ्री, बी का फोर, सी का टू, डी का वन विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्रेसी केसी पहले दिया हुआ है, बाकी तीन को आप कंपैरिजन के तहत बड़ा ही इजिली याद कर सकते हो, बड़ा ही इजिली मैम 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा ना 2 सेकंड में। हाँ जी, मजा आ गया है, मजा आ गया, मजा आ गया सेशन में, मजा भी आ रहा है, क्वेश्चंस इजीली हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं, बट हम बहुत कंजूस हैं मैम, हम लाइक नहीं करेंगे आपके सेशन को, ना ही हम शेयर करेंगे, हम बहुत कंजूस हैं। रिया श्रीवास्तव गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, 10 बजे 10 बजे 10 बजे। यार मैम आ सकती है इतने ठंड के मौसम में अपने छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे को छोड़ करके, है आप नहीं आ सकते हो सुबह क्लास में जल्दी। यस हाँ जी, सुपर, आ जाओ नंबर 6 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 2020 का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत मजा आ रहा है मैम, अमेजिंग सेशन, सुपर, आ जाओ नेक्स्ट पे। रे फ्लॉरेट्स हैव, रे फ्लॉरेट्स भाई जो ये आपके बेस्ड अपॉन पोजिशन ऑफ ओवरी फ्लावर्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो अभी आज की कक्षा में, अभी समझ लो। ठीक है, अभी समझ लो, आ जाओ जी, रे फ्लॉरेट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, समझ लेते हैं, आ जाओ पेज नंबर 73 पे। एक सिंपल सी चीज मैं आपको समझाऊंगी एंड हमेशा के लिए टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। बेस्ड अपॉन पोजिशन ऑफ ओवरी, आपका फ्लावर तीन टाइप का होता है। पहला है मेरे बच्चे, इस साइड में लिख रही हूं, पहला है मेरे बच्चे हाइपोगाइनस, दूसरा है मेरे लाल एपीगाइनस, एंड तीसरा है मेरे बच्चे, मेरे नीचे आएगा इस साइड लिख देती हूँ, पेरीगाइनस।
ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है एंड उस कंफ्यूजन का निवारण भी हम अभी करने वाले हैं इस कक्षा में। कंफ्यूजन ये होता है, मैम गाइनस तो समझ में आ गया कि ओवरी की बात हो रही है ना, हाइपो मतलब बिलो, तो क्या ओवरी नीचे प्रेजेंट है? कंफ्यूज होते हैं उस बात में, क्या ओवरी नीचे प्रेजेंट है? एपी गाइनस पे आ जाओ, मैम गाइनस तो हो गया ओवरी, ठीक बात है, एपी मतलब होता है मैम अबव, तो क्या ओवरी ऊपर प्रेजेंट है? क्या इस बात में कंफ्यूजन होता है मेरे बच्चों को? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, इस कंफ्यूजन का ही फायदा उठाता है आपका एग्जामिनर। तो एक बात, एक तथ्य अपने मस्तिष्क में बिठा लो, विच इज गाइनी, आपका ये ओवरी तो है बट जो ये बिलो वर्ड है, दिस फर्स्ट वर्ड इज फॉर रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, ये अबव वर्ड इज फॉर रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हो, जरा एक्सप्लेन कर दूं। तो भाई ओवरी के संदर्भ में बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं अगर वो नीचे प्रेजेंट है, ओवरी के कॉन्टेक्स्ट में बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे प्रेजेंट है, मैं उसको कहूंगी हाइपोगाइनस। क्या कहूंगी? हाइपोगाइनस। ओवरी के कॉन्टेक्स्ट में बाकी फ्लोरल पार्ट्स अगर ऊपर प्रेजेंट है उसको मैं कहूंगी एपीगाइनस, एपीगाइनस, बाकी पार्ट्स ऊपर है एपीगाइनस, बाकी पार्ट्स नीचे है हाइपोगाइनस, दोनों मोरलेस सेम लेवल पे है तो पेरीगाइनस, पेरीगाइनस में कोई फाइट नहीं है। आया समझ? पेरीगाइनस में कोई फाइट नहीं है, दोनों मोरलेस सेम लेवल पे है। अब मुझे एक बात बताओ, हाइपोगाइनस में, गाइनस माने ओवरी, हाइपो वर्ड इज इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, तो बाकी पार्ट्स नीचे है ओवरी से, तो ओवरी कहां हुआ? हां जी कम ऑन, ओवरी कहां हुआ? बोले मैम ओवरी ऊपर हुआ, तो क्या मैं इस ओवरी को सुपीरियर ओवरी कह दू, यस और नो? क्या यहां पे जो ओवरी प्रेजेंट है उसको हम सुपीरियर ओवरी बोल सकते हैं मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, क्या हम इसको सुपीरियर ओवरी बोल सकते हैं? जल्दी इन द चैट बॉक्स, कम ऑन इन द चैट बॉक्स। देन वी हैव एपी गाइनस, गाइनस माने ओवरी, एपी माने अबव, तो अबव वर्ड इज इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, तो बाकी फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है तो ओवरी कहां है? बोलो मैम ओवरी तो नीचे हुआ, तो ओवरी का पोजीशन क्या हो गया? बोलो मैम इंफीरियर हो गया, तो यहां लिख रही है मैम इंफीरियर, इंफीरियर, तो मेरे लाल एपीगाइनस में ओवरी क्या है? इंफीरियर ओवरी है। हाइपोगाइनस में ओवरी क्या है? सुपीरियर ओवरी है। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? जल्दी बता दो, एम आई क्लियर और एम आई क्लियर इन द चैट बॉक्स। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो हमेशा के लिए, हाइपोगाइनस वर्ड को ब्रेक करना है, एपीगाइनस वर्ड को ब्रेक करना है एंड हम समझ जाएंगे। पेरीगाइनस में कोई फाइट ही नहीं है, मोर ऑर लेस सेम लेवल पे पाए जाते हैं सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स, चाहे वो ओवरी हो चाहे वो बाकी फ्लोरल पार्ट्स हो, इसीलिए यहाँ पे हम ओवरी को हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर कह देते हैं, यहाँ पे कोई फाइट नहीं, यहां पे मेरे बच्चे कोई फाइट नहीं है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? अब रट्टा मारने की जरूरत है, सुपीरियर क्या होता है? इंफीरियर। मैम सर दर्द हो गया, याद ही नहीं रह पाता है कि सुपीरियर एपीगाइनस में है कि सुपीरियर हाइपोगाइनस में है, एंड वर्ड इतना कंफ्यूजिंग है, हाइपो में बिलो देख के हमारे को लगता है कि ओवरी ही नीचे प्रेजेंट है, तो ओवरी इंफीरियर हो गई, है ना? समझ पा रहे? तो हमेशा याद रखिएगा जो फर्स्ट वर्ड है, दिस इज इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, तो अगर बिलो वर्ड है, हाइपो माने बिलो, बाकी फ्लोरल पार्ट्स आपके नीचे है, ओवरी आपकी ऊपर है, ठीक है? एपीगाइनस में बाकी फ्लोरल पार्ट्स आपके ऊपर है, ओवरी आपकी नीचे है। डन एंड डस्टेड फॉर फॉरएवर। अब आ जाते हैं आगे। हाँ जी, एग्जाम्पल्स तो देख लो भाई, आगे आने से पहले एग्जाम्पल देख लो। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में मेरी ओवरी है जी सुपीरियर, एग्जाम्पल है मेरा मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल, मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल, ये तीन एग्जाम्पल है मेरे हाइपोगाइनस फ्लावर के। देन कम्स माई पेरीगाइनस,
ओवरी मेरी हाफ इंफीरियर है, या इसको आप हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं। तो पेरिगाइनस को मैं याद करती हूँ कैसे, यहाँ लिख रही हूँ साइड में, पेरिगाइनस को मैं याद करती हूँ पी क्यूब करके। व्हाट इज पी क्यूब? पी, वन पी फॉर पेरिगाइनस, वन पी इज फॉर प्लम, नेक्स्ट पी इज फॉर पीच। तो प्लम, पीच एंड रोज, ये तीन एग्जाम्पल इसके होते हैं। प्लम, पीच एंड रोज, P3, P3R, पेरिगाइनस में तीन एग्जाम्पल है, प्लम, पीच एंड रोज। ठीक है, प्लम, पीच एंड रोज, डन। आ जाओ लास्ट पे, जो कि है मेरा एपिगाइनस। मेरी ओवरी तो है बच्चे इन्फीरियर। एग्जाम्पल देख लो, गुआवा, जो आजकल एकदम सीजन में है, मजा आता है खाने में गुआवा, वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, एंड कुकुम्बर एंड द रे फ्लावरेट्स ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लावरेट्स ऑफ सनफ्लावर में मेरी इंफीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी है। आ गया ये बात समझ में? आ गई बात समझ में? क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। रे फ्लावरेट्स हैव विच टाइप ऑफ ओवरी? दे हैव इंफीरियर ओवरी। सुमन कुमार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैलिडेशन बेटा, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। हाँ जी, पी स्क्वेयर आर, पेरिगाइनस में प्लम, पीच एंड रोज, ये तीन एग्जाम्पल है। आ गया समझ में? फिर से आपने क्या करना है जी, ये वाले पेज पे मैम, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना स्टिकी नोट, एंड उस स्टिकी नोट पे हम लिख देंगे क्या, हाइपोगाइनस के आगे लिखेंगे सुपीरियर ओवरी एग्जाम्पल, एपिगाइनस के आगे लिखेंगे इंफीरियर ओवरी एंड एग्जाम्पल, पेरिगाइनस के आगे लिखेंगे हम लोग हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर एंड एग्जाम्पल, एंड एग्जाम्पल। ठीक है, डन एंड डस्टेड। सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे मेरे सारे बच्चे। नंबर 7, नीट 2020। अच्छा, सारे बच्चे एनसीईआरटी में लिखते हुए चल रहे हो ना बच्चों? एनसीईआरटी में मेंशन करते हुए चल रहे हैं ना मेरे सारे बच्चे? यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। एनसीईआरटी में उस नीट के ईयर का मेंशन करते हुए चलेंगे। सेंड मी लिटिल हार्ट्स, थम्स अप्स, फटाफट से। मीनवाइल मैं अपने आप को हाइड्रेट कर लेती हूँ। हाँ जी, अभिमन्यु यार, ये पोल्स है ना, मेरे को कमेंट्स नहीं दिखते हैं, जब क्वेश्चन आए ना तभी आप इसको डाल दिया करो, इसको आप थोड़ा मिनिमाइज कर दो। हाँ जी ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भी सारे बच्चे। नीट 2020 कितना साधारण सवाल है। अगला सवाल, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, व्हाट डू यू कॉल देम? जो रूट्स बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होती है उसको आप क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं, लेटरल रूट्स कहते हैं, फाइबरस कहते हैं, प्राइमरी रूट्स कहते हैं। हाँ जी सज्जन सिंह, ये हुई ना बात, लर्नर्स करके एक बच्चा, ये हुई ना बात, शाबाश, ये हुई बात एकदम मस्त वाली। आ जाओ पेज नंबर 66 पे, मेरे बच्चों ने पहले ही पेज नंबर 66 लिख दिया है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 66 पे आओ भाई सारे बच्चे, जहां पे कि आपको रूट सिस्टम्स का जिक्र किया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी कहती है भैया, एक है मेरा टैप रूट सिस्टम जिसमें प्राइमरी रूट आ रही है, उसके साथ प्राइमरी रूट के ऊपर सेकेंडरी, उसके ऊपर टर्शरी रूट्स आ रही है, पूरा सिस्टम मेरा है जी टैप रूट सिस्टम। लेकिन समटाइम्स जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, जल्दी ही खत्म हो जाती है। उस केस में क्या होता है कि बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारी रूट्स आना शुरू हो जाती है। तो जो रूट्स ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, दे कॉन्स्टिट्यूट फाइबरस रूट सिस्टम, वो बना देती है मेरे बच्चे फाइबरस रूट सिस्टम। लिख दूं मैं यहां पे, नीट 2020, 2020 का सवाल है, कितना सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन, फाइबरस रूट, टैप
टैप रूट सिस्टम कॉमनली आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है एंड फाइबरस रूट सिस्टम कॉमनली आपको मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक बात है जी, ठीक बात है जी। हाँ जी, फाइबरस रूट सिंपल क्वेश्चन था जी, फटाफट से हो गया हमारा एक सेकंड में। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम आर फाइबरस रूट। कोई बच्चा जिसको इस क्वेश्चन में समस्या फील हुई हो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस सवाल में, डन अंडरस्टेड? हाँ जी, यस। नंबर सेवन, चले एट पे। क्वेश्चन नंबर एट, जिस बच्चे ने मेरी क्लास लगाई है, सेवन से पहले हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स किया था, उसमें मैम ने विस्तार से आपको विवरण दिया है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। क्यों दिया है? क्योंकि हमें पता है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपका। अब आप समझ चुके हो इस क्वेश्चन को, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप फटाफट से एक सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नीट 2020 का सवाल है, जल्दी बता दो। द ओवरी इज हाफ इनफीरियर, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए मैं बता देती हूँ, है ना? आपके दिमाग में आना चाहिए हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। तो मैम ने कहा था ये किस में होता है जी? ये होता है जी पेरीगाइनस में। पेरीगाइनस में मैम ने कहा था पेरीगाइनस को तुम लोग पी क्यूब आर से याद कर लो। पी क्यूब में एक पी था मेरा पेरीगाइनस, एक था मेरा प्लम, एक था मेरा पीच, एंड दिस आर इज फॉर योर प्यारे प्यारे गुलाब के फूल, प्यारे प्यारे गुलाब के फूल। फटाफट से देख लो, सनफ्लावर ना जी, ना ब्रिंजल ना जी, मस्टर्ड ना जी, आंसर इज प्लम। आंसर इज प्लम। लाइक तो बनता है बॉस, लाइक तो बनता है, सेशन को लाइक शेयर करना तो बनता है ना? प्लम, पीच, रोज, पी क्यूब आर, पी क्यूब आर अभी अभी एक्सप्लेन किया है, पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है। जो बच्चा नया आया है अभी क्लास में, थोड़ा सा पीछे जा करके देख लो आप सेशन को। डन, शाबाश। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है जी आपकी पेज नंबर 73 पे, जिसमें अभी अभी हमने नीट का एक ईयर मेंशन किया था। जरा मेरे को बता दो मेरे कंसिस्टेंट बच्चे, कौन से साल में एक और सवाल आया था यहां से? विच ईयर, कम ऑन इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, विच ईयर, फटाफट से, विच ईयर इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, कम ऑन कम ऑन। यही से एक और सवाल पूछा गया था, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था। हाइपोगाइनस ओवरी, पेरीगाइनस, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। गीतिका बेटा, बेनियन ट्री में प्रॉप रूट्स होती है। 2020 था कि 21 था? 2021 में, 2020 में एनसीईआरटी में मेंशन करते हुए चल रहे हो ना भाई? इसी साल, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन यहां से 2020 में ही आया था, 2020 में दो सवाल सेम टॉपिक से पूछे गए थे, एग्जाम्पल बेस्ड पूछे गए थे, एग्जाम्पल बेस्ड पूछे गए थे। शाबाश, आंसर हो गया जी प्लम। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई जो बच्चों ने गलत आंसर किया ना ईयर का, वो एनसीईआरटी में लिख नहीं रहे हैं, वो एनसीईआरटी में लिख नहीं रहे हैं, ये बात कतई बर्दाश्त नहीं होगी। एनसीईआरटी में लिखते हुए चलो बच्चों, तुम्हारा ही फायदा होगा यार। मैम को क्या मिल जाएगा? तुम डॉक्टर बन जाओगे, मैम बुढ़ापे में अपना फ्री में इलाज करा लेगी, बस इतना ही मैम का बेनिफिट है और कोई बेनिफिट नहीं है। बुढ़ापे में जब दिखेंगी मैम तो आप कहोगी अरे वाह, मैम ने हमें पढ़ाया था, फ्री में इलाज कर दोगे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो मैम को देख करके बोलेंगे अरे यार ये फ्री में इलाज कराएंगे, इनको दूर भगाओ, भगा दो, बाहर से भगवा देंगे अपने पीए वगैरह को बोल के, जब आप वर्ल्ड फेमस बन जाओगे तब, है ना? लिख रहे, लिख रहे, शाबाश शाबाश। आ जाओ तो फिर अगले सवाल पे, फोटो भेज देंगे टेलीग्राम पे, जैसे रिचा ने भेजी टेलीग्राम पे स्टिकी नोट चिपका करके, वैसे ही मेरे बच्चे फोटो भेज देंगे टेलीग्राम पे। यस, हां जी, सुपर्ब सुपर्ब। आ जाओ फिर आगे नंबर नाइन पे, क्वेश्चन नंबर नाइन बच्चों, क्वेश्चन नंबर नाइन 2020 का क्वेश्चन है। करेक्ट पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स ओवर द थैलेमस इन द मस्टर्ड प्लांट इज। अब ये सेम टॉपिक पे सवाल आ रहे हैं आपके, सेम टॉपिक पे, है ना? इसीलिए मैम बोलती है टॉपिक्स रिपीट होंगे, क्वेश्चन चाहे रिपीट हो ना हो,
ठीक है, टॉपिक्स जरूर रिपीट होंगे। ये किस टॉपिक से अभी क्वेश्चन? करेक्ट पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स ओवर द थैलेमस इन द मस्टर्ड प्लांट इज गाइनोजियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर नीचे उसके। मस्टर्ड में पूछा हुआ है, मस्टर्ड में पूछा हुआ है। सुमन कुमार बेटा, टेलीग्राम चैनल मैम का बायोग्रुप बीना राव के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लो सिंपली। उसमें कुछ इफ एंड बट है ही नहीं, ठीक है। आपको वो दे दूंगी मैं, अभी लिंक भी दे देंगे सेशन के एंड में। हाँ जी, आ जाओ भाई एनसीईआरटी के पेज नंबर 73 पे मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 73 पे आ जाओ, जहां पे आपको जिक्र किया गया है हाइपोगाइनस। तो भाई सारे बच्चे लिख लो यहाँ पे, हाइपोगाइनस में होती है सुपीरियर ओवरी। ये लिख चुके हैं मेरे बच्चे, एग्जाम्पल भी मैम इसके लिख चुके हैं हम, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ये तीन एग्जाम्पल है मेरे हाइपोगाइनस फ्लावर के, ठीक है। ये सेम टॉपिक पे तीन सवाल अब तक हम अच्छा। हाँ जी, यस बच्चों, क्या आप सब मुझे अब देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? इंटरनेट बाबा
ना हमारे से नाराज है। इंटरनेट बाबा कहते हैं कि यार लाइक तो करते नहीं है बच्चे, तो कृपा ना वहीं पे ही अटकी हुई है, तो कृपा को चलते रहने देना है, अटकाना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ थैंक यू सो मच, सारे बच्चे मेरे रुके हुए थे, बने हुए थे, जुड़े हुए थे सेशन के साथ में। यार फुल स्क्रीन कर दो इसको, है ना, सही हो गया, अभी देख पा रहे हो सारे बच्चे? हाँ जी, नाउ मैम फाइन, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन, है ना। सारे बच्चे भाग गए, देखो कितने कम बच्चे बचे हैं। यस चलो, सब ठीक हो गया, अभी देख पा रहे हो मुझे? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। चैट बॉक्स में बता दो फटाफट से, जो आपके फ्रेंड्स चले गए हैं उनको बुला लो वापस से। हाँ जी, यस यस, एक बच्चा लिख रहा था कि मैम दिल्ली में फॉग बहुत ज्यादा है ना, उससे इंटरनेट आपका बार बार अटक जाता है यहाँ पे। यस यस, हाँ जी हाँ जी, सुपर सुपर। चलो बच्चों वापस से उसी पेज से स्टार्ट करते हैं, वापस से इंटरनेट बाबा से प्रे करते हुए हम लोग चलेंगे एंड उसी पेज से स्टार्ट करते हैं। तो हम थे भाई इस क्वेश्चन पे, जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी अबाउट हाइपोगाइनस फ्लावर्स, जिसमें होती है सुपीरियर ओवरी। ठीक है, इंटरनेट बाबा से हम प्रे करते हुए चलेंगे कि अब कृपा ना अटकाए, हमें अपनी क्लास कंप्लीट करने दे प्लीज इंटरनेट बाबा। चलो सुपर सुपर सुपर। तो भाई इस क्वेश्चन का आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। आपसे मस्टर्ड प्लांट में पूछा हुआ था, मस्टर्ड प्लांट में जहां पे की ओवरी होती है आपकी सुपीरियर, ओवरी होती है जी आपकी सुपीरियर, फ्लावर होता आपका हाइपोगाइनस फ्लावर, फ्लावर इज हाइपोगाइनस। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने हाइपोगाइनस फ्लावर में गाइनोजियम का पोजीशन इज एट हाईएस्ट, बाकी फ्लोरल पोजीशन आपके बाकी फ्लोरल पार्ट्स आपके नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक बात है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे बच्चों, नंबर 10। जो बच्चे अभी भी क्लास में बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आपके पेशेंस की मैं दाद देती हूँ कि आप बच्चों ने वेट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद भी आपका करती हूँ। ठीक है, आ जाओ नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक समझा चुकी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, नीट 2020 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग 1 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे, 1 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी बता दो। सुमो स्मार्ट सिंह ने कर भी दिया है, कर भी दिया। ऋचा यादव शाबाश, वृद्धा गांधी, सज्जन सिंह, आकांक्षा, शिल्पा कुमारी, वेरी 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 गुड। मैम ने क्या समझाया था, फर्स्ट बच्चा, सेकंड बच्चा एंड लास्ट बच्चा। फर्स्ट बच्चा इज फेबिएसी का, सेकंड बच्चा आपका सोलेनेसी फैमिली का, एंड लास्ट बच्चा आपका लिलिएसी फैमिली का, है ना। गाइनोजियम 3 है लिलिएसी में, गाइनोजियम 2 है सोलेनेसी में, गाइनोजियम 1 है फेबिएसी में। तो आंसर आपका, आप सारे बच्चे बता चुके हो, पेज नंबर 81 पे आ जाओ एक बार ये, जहां पे लिलिएसी फैमिली का जिक्र किया हुआ है एंड यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है फ्लोरल फॉर्मूला, जहां पे आपकी गाइनोजियम 3 है, गाइनोजियम आपकी 3 है। यस मेरे बच्चे जल्दी बताओ, जो ट्रिक मैम ने बताई क्या उसके थ्रू क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो? यस और नो इन द चैट बॉक्स फटाफट से, यस और नो इन द चैट बॉक्स। आंसर आपने लगा दिया ऑप्शन नंबर 3, आपको बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं हुई, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन जो आपका सरदर्द कर देते हैं, ये क्वेश्चन जो कि आप सही नहीं कर पाते हैं, 4 नंबर आपको दिला देंगे सिंपल से छोटी सी ट्रिक से। ठीक है, यस मैम, शिल्पा कुमारी, आकांक्षा, यस अनुराधा बायो, अलम कुहू कुमारी, स्मार्ट सिंह, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 डन एंड डस्टेड, आ जाओ नंबर 11 पे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, नीट 2020 फेज 2 का एक क्वेश्चन है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ, करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट, सही स्टेटमेंट आपसे पूछी है, 4 स्टेटमेंट आपको दी हुई है। बड़ी बड़ी अच्छी एक बात मोनल ने बोली है, तो मैं जरूर आपको आंसर करूंगी। कह रहे कि मैम इंटरनेट बाबा क्यों बोल रहे हो, इंटरनेट माँ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि माँ की ना कृपा हमेशा रहती है बच्चे, माँ की कृपा हमेशा रहती है। माँ ऐसे इतने अच्छे मोड में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, खूब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ के सिनर्जी के साथ में, ऐसे मोड में माँ कृपा बनाए रखती है, बाबा ही होते हैं जो कृपा अपनी छीन लेते हैं।
आई एम जस्ट किडिंग, है ना? तो अगर इंटरनेट माँ होती तो कृपा बनी रहती. एनीवेज, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11, चार आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है बच्चे. दोनों फ्रूट्स आपके ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं, पहला स्टेटमेंट. नंबर टू, एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ. नंबर टू. नंबर थ्री, मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइबरस एंड इन मैंगो इट इज फ्लैशी. नंबर डी पे आते हैं, इन बोथ फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी. आ जाओ एनसीआरटी. एनसीआरटी माता मैंने बोला क्यों? देखो एनसीआरटी माता बोलती हूँ मैं, बाबा नहीं बोलती हूँ. क्यों? क्योंकि माता हमेशा कृपा बनाए रखती है, तो एनसीआरटी माता आप पे कृपा बनाए रखेगी, आपको डॉक्टर बना के छोड़ती है, बीच में नहीं छोड़ती है, इसलिए एनसीआरटी माता है, इंटरनेट बाबा है. यस, पेज नंबर 76 बच्चों, जहां पे द फ्रूट्स का जिक्र किया हुआ है, फ्रूट्स का जिक्र किया हुआ है ना, तो मैम की सारी बातें आपको लॉजिकल नजर आएंगी, जितना मेरे साथ रहोगे आपको और समझ में आएगा. द फ्रूट्स जहां पे आपको मैंगो एंड कोकोनट ए एंड बी दो ही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ध्यान से समझना. अगर हम बात करें दोनों की, मैंगो एंड कोकोनट दोनों ही आपके ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं. पहले पहले के टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स को हम पढ़ाते थे क्योंकि क्वेश्चंस भी आते थे. अब क्योंकि एनसीईआरटी हमारी माता है तो यहीं से ही क्वेश्चन आता है, इसीलिए सिर्फ आपको ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट भी अगर आपको पता है ना दो एग्जाम्पल कोकोनट एंड मैंगो, तो आपका काम चल जाएगा. आपको बहुत अलग से सारे टाइप ऑफ फ्रूट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहले बच्चे रट्टा मारते थे, सिलिका क्या होता है, सिलिकुआ क्या होता है, ठीक है? वो सब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दोनों ही आपके ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं. दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी. सुपीरियर ओवरी मैंने बोला, मेरे बच्चे समझ गए हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि फ्लावर कौन सा है ये. एंड दे आर वन सीडेड, एक ही सीड प्रेजेंट होता है. मैंगो की बात करते हैं, पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इन टू पेरिकार्प, जो आपके फ्रूट की वॉल लेयर्स होती है. ये आउटर थिन एपिकार्प है. मैंगो विजुअलाइज करो, मैंगो आप खा रहे हो गर्मी के सीजन में, बाहर में एक पतला सा छिलका होता है उसका, बाहर की लेयर एकदम पतला सा छिलका, उसको आप कहते हैं जी एपिकार्प, आउटर थिन एपिकार्प. देन मैंगो का वो पार्ट जो कि आप खाते हो, जो फ्लैशी पार्ट होता है, जिसको आप खाते हो, जिसका आप शेक बनाते हो, दैट इज योर फ्लैशी एडिबल, उसी को तो आप खा रहे हो, उसको आप मीजोकार्प कहते हैं. क्या कहते हैं मेरे बच्चे? मीजोकार्प. तो मैंगो में खाने वाला पार्ट क्या है? बोलो मैम, मीजोकार्प है. एंड इसके अंदर जो गुठली प्रेजेंट होती है, जिसको कि आप फेंक देते हो, जो कि हार्ड एंड स्टोनी है, दैट इज योर एंडोकार्प. वो क्या है? आपकी एंडोकार्प है. तो मैंगो में आउटर वाला जो लेयर है, येलो कलर का जो लेयर होता है, आप कहोगे कि मैम नहीं, लंगड़ा वाले आम में तो ग्रीन होता है, तो आउटर जो भी आपका लेयर है दैट इज योर एपिकार्प. फ्लैशी पार्ट जो आप खा रहे होते हो, जिसका आप शेक भी बनाते हो, दैट इज योर मीजोकार्प. एंड जो अंदर का हार्ड स्टोनी गुठली है, सीड है, दैट इज योर, वो वाली लेयर इज योर एंडोकार्प. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? आ जाओ कोकोनट के ऊपर बात करें, कोकोनट की, ये भी आपका ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट है. एंड इसमें मीजोकार्प इज फाइबरस, है ना? एपिकार्प आपका आउटर लेयर है. उसके बाद विजुलाइज करो, विजुलाइज करो, उसके बाद आपका ये वाला लेयर जो बाहर मम्मी आपको नवरात्र में बोलती है ना कि बेटा इसको छील दो नारियल को, तो जब आप छील रहे होते हो उस दाढ़ी को बाहर से, वो जो फाइबरस लेयर्स आप निकाल रहे होते हो, जो बड़ा मुश्किल होता है, उसमें आप पेचकस लगाते हो, कभी खींच रहे होते हो, तो वो जो फाइबरस लेयर्स हैं, दीज आर मीजोकार्प. वो होती है बच्ची आपकी मीजोकार्प. तो मैम एंडोकार्प क्या है? जब आप ये फाइबरस लेयर्स निकाल लेते हो और जो खाने वाली एडिबल पार्ट है उसके भी बाहर में एक हार्ड लेयर होती है डार्क ब्राउन कलर की, उससे निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही पेचीदा काम होता है उससे निकालना, हार्ड एंड स्टोनी वाला, यस दैट इज योर एंडोकार्प. तो मेरे बच्चे ना तो मीजोकार्प एडिबल है ना ही एंडोकार्प एडिबल है. तो एडिबल क्या है यहाँ पे? एडिबल है यहाँ पे एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म इज एडिबल पार्ट यहाँ पे, ठीक है? हाँ, लीची में एरिल वाला पार्ट होता है, पहले क्वेश्चन आता था बेटा इस पे, अब नहीं आता है, ठीक है? डन है, आ गया समझ? आ जाओ अब सवाल पे वापस से, क्वेश्चन पे आओ वापस से, आ जाओ.
आपको चार स्टेटमेंट्स दी हुई है, बोथ द फ्रूट्स आर ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट, बिल्कुल सही बात है। नंबर टू, एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, ना जी मैंगो में मीजोकार्प एडिबल है एंड कोकोनट में आपका सेलुलर एंडोस्पर्म एडिबल है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी। मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइबरस एंड इन मैंगो इट इज फ्लैशी, बिल्कुल मैंगो में एडिबल होती है, फ्लैशी होती है जो हम खा रहे होते हैं, एंड मीजोकार्प में फाइबरस है जिसको कि हम निकाल करके बाहर फेंक रहे होते हैं, करेक्ट है। नंबर फोर स्टेटमेंट मैम, ओहो, नंबर फोर, इन बोथ फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी, पहली स्टेटमेंट थी कि दोनों में मोनोकार्पलरी ओवरी से आपके फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, आ गया समझ में, तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। यस एवरीवन, हां जी, चैट बॉक्स एटीपीज, कम ऑन चैट बॉक्स में थोड़े से एटीपीज को बखेर दिया जाए। हां जी हां जी हां जी हां जी, चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलो। हाँ जी हाँ जी, शाबाश। नीट 2019 का सवाल, 2019 का क्वेश्चन, मजेदार सा क्वेश्चन, मजेदार सा क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी इन पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा से अटैच होकर के ओव्यूल किस तरीके से प्रेजेंट है वो आपके प्लेसेंटेशन को डिसाइड करता है। वी हैव फ्री सेंट्रल, वी हैव बेसल, वी हैव एक्साइल, वी हैव पैराइटल, है ना, वी हैव मार्जिनल जो आपका पी प्लांट में होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ, अगर आपके ओव्यूल प्लेसेंटा में पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, सो पी से पेरिफ्री, ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, पी से पेरिफ्री, तो टाइप हो गया पी से पराइटल, टाइप हो गया पी से पराइटल। एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा डिटेल में, आ जाओ जी पेज नंबर 75 पे। पेज नंबर 75 मेरे प्यारे बच्चों, ये पांच डिफरेंट टाइप का आपका प्लेसेंटेशन है, ओव्यूल किस तरीके से प्रेजेंट है वो डिफाइन करता है। सबसे पहला है जी आपका मार्जिनल, नाम में छुपा है काम, अगर मार्जिन्स पे मेरे ओव्यूल प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, है ना। अगली बार जब मम्मी कहेगी मटर छील के दे दो, तो मटर को छीलना, देखना कैसे मार्जिन्स के ऊपर आपके मटर के दाने रखे हुए हैं, है ना। टाइप क्या है जी, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नंबर बी है आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन। आप कहेंगे मैम एक्साइल और ये फ्री सेंट्रल दोनों में कुछ खास फर्क क्यों नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ओव्यूल यहां पे भी सेंटर में है, यहां पे भी सेंटर में है। डिफरेंस ये है, जो ओवरी है उसमें यहां पे सेप्टा प्रेजेंट है, यहां पे कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। यस, यहाँ पे कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, यही एक डिफरेंस आपके एक्साइल में एंड फ्री सेंट्रल में। फिर आता है आपका पेराइटल, अगर तो मेरे ओव्यूल पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, तो ओव्यूल है पी से पेरिफ्री पे, टाइप है पी से पेराइटल, टाइप है पी से पराइटल। नंबर ई पे आ जाओ, विच इज बेसल टाइप, अगर मेरा बेस पे एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है उसको मैं कह देती हूँ बेसल टाइप, बेसल। तो पांच डिफरेंट टाइप का आपका प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एम आई क्लियर, हाँ जी फटाफट से बताते चलो, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ जी हाँ जी, यस यस मैम, एकदम क्लियर हो आप, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। इसमें कुछ ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं थी, प्लेसेंटेशन आपसे पूछा था पेरिफ्री पे, अगर आपकी ओव्यूल प्रेजेंट है प्लेसेंटेशन का टाइप विल बी पराइटल टाइप, एज सिंपल एज दैट, पराइटल फॉर पेरिफेरल। डन 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 डन, फटाफट से एटीपीज बरसा दो कमेंट सेक्शन में, एटीपीज इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। आज शाम को फिर से हम लोग मिलेंगे बच्चों 5 बजे, 5 बजे हम फिर से मिलने वाले हैं, बड़ी अमेजिंग क्लास होगी आपकी फेवरेट पंखुड़ी मैम के साथ में, तो उसको भी आप लाइव जरूर अटेंड कीजिएगा। डन है, चलो नंबर 13 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 13 नीट 2018 का सवाल है। मैं बता चुकी हूँ, अपने बच्चों को समझा चुकी हूँ, इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। जिस मेरे बच्चे ने 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके अगर पेपर दिया होता तो एक क्वेश्चन जरूर करेक्ट कर लिया होता। नंबर 13, निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं? मैम ने लिखवाया था निमेटोफोर्स तो भैया आप रेस्पिरेटरी रूट्स को कहते हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स को, वो रूट्स जो रेस्पिरेशन करना परफॉर्म कर ले, जो ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो करना शुरू कर दे, उसको हम निमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। मैम ये कहाँ ग्रो कर पाती है? ये ग्रो कर पाती है स्वैम्पी एरियाज में। स्वैम्पी एरियाज में ग्रो कर पाती हैं। यस हाँ जी मैम, इस प्लांट को क्या कहते हैं बच्चे? इस प्लांट को हेलोफाइट्स कहते हैं। मैम एक एग्जांपल ही बता दो हेलोफाइट्स का, तो एग्जांपल मेरे बच्चे राइजोफोरा दे रहा है एनसीईआरटी का, तो तुम भी राइजोफोरा याद रख लो। बात हुई थी हमारी यस और नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो बात हुई थी, सेम टू सेम बात हुई थी हमारी, आंसर हेलोफाइट हो जाएगा। देख लेते हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 67, 67 पेज नंबर। सारे बच्चों फटाफट से ओपन करो, जहां पे राइजोफोरा के बारे में जिक्र किया हुआ है, निमेटोफोर्स क्या होते हैं आपको बताया हुआ है, कैसे ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं ये आपको बताया हुआ है, थ्रू अ पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज निमेटोथोर्स, जो जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पे रूट्स जो है ऑब्लिकली डाउनवर्ड की जगह पे ऑब्लिकली अपवर्ड प्रेजेंट होती है, जस्ट ऑपोजिट, जो कि आपकी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। रूट्स आपकी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, करेक्ट बात है। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, हेलोफाइट। नंबर 14 मजेदार क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। नंबर 14 क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। हाँ जी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। भाई एक तो तुम्हारा पोटैटो होता है आलू जो आप खा रहे होते हो, दूसरा आपका स्वीट पोटैटो होता है शकरकंदी, जो आजकल ठंडी के टाइम पे मिल रही होती है, एंड इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टार्च। इसको आप बॉईल करके या आप स्टीम करके इसको खा सकते हैं, खाने में भी मजेदार होती है एंड वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होती है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो तुम्हारा पोटैटो जो होता है इट इज मॉडिफाइड रूट की स्टेम, बच्चे इट इज मॉडिफाइड रूट या स्टेम, ये बताओ फटाफट से। सचिन सचिन धोखा खा गए हो भाई, बड़े सारे बच्चों ने गलत आंसर कर दिया, गलत आंसर कर दिया। चलो फिर पहले एनसीईआरटी में अंडरलाइन करा देती हूँ, आ जाओ पहले एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, पेज नंबर 67 पे, पेज नंबर 67 पे आ जाओ। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। अगर आपका रूट मॉडिफाई होके फूड को स्टोर करना शुरू कर दे, उसको आप मॉडिफाइड रूट कहेंगे, एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। अगर आपका स्टेम मॉडिफाई हो करके फूड को स्टोर करना शुरू कर दे, उसको आप मॉडिफाइड स्टेम कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल होता है आपका पोटैटो। तो आलू, आलू है आपका मॉडिफाइड स्टेम, शकरगंदी स्वीट पोटैटो है आपका मॉडिफाइड रूट। एम आई क्लियर? यहां लिख लो, इसको कंप्लीट कर लो, पोटैटो इज योर मॉडिफाइड स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इज योर मॉडिफाइड, बोलो मैम, रूट, ये आपका मॉडिफाइड रूट होता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे सारे बच्चे। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी लिखी है मेरे बच्चों, यहाँ पे पेज नंबर 67 के ऊपर, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड दे स्टार्ट टू स्टोर द फूड। यस, कंफ्यूज नहीं होना है, पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट है, कंफ्यूज आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 विच इज एडवेंटिशियस रूट। एम आई क्लियर? यस 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 बच्चास, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल द बच्चास आउट देयर? क्या आप समझ पा रहे हो? यस, चलिए आगे आ जाओ। नंबर 15 पे बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई, नंबर 15, एंड आई एम प्रिटी श्योर मेरे सारे बच्चे कर पाएंगे।
शैली राणा, आप नए हो, आपका बहुत स्वागत है हमारी कक्षा में। सेशन को लाइक करो पहले, उसके बाद क्लास में एंट्री करो। यस, नंबर 15, नीच 2017 का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा पुराना सवाल है। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रूट हेयर्स किस एरिया से डेवलप होते हैं? आपके रूट के अंदर मैच्योरेशन एरिया है, इलोंगेशन एरिया है, रूट कैप है जो कि थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है आपका, दैट इज योर रूट कैप। जो रूट का मेन काम क्या है भाई, वो आपके हार्ड सरफेस में इन्वेड करता है, नीचे इन्वेड करके दूर दूर से वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके लेकर के आता है। तो उसको हार्ड सरफेस में इन्वेड करना है। सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है वो मेरिस्टमेटिक एरिया होता है। अब वो मेरिस्टमेटिक एरिया जो है उसमें डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए नेचर ने क्या किया, उसको सेव करने के लिए एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से उसको प्रोटेक्ट कर दिया है। उस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को आप रूट कैप कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी में आ जाओ जी, एनसीईआरटी पेज नंबर 67, पेज नंबर 67 ध्यान से देखिए सारे बच्चे, कम ऑन ध्यान से देखिए पेज नंबर 7 पे। यहां पे इस रूट के स्ट्रक्चर को, ये आपकी मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी वाला एरिया है, इसी एरिया ने हार्ड सरफेस पे इन्वेड करना है। अब हार्ड सरफेस पे इन्वेड करेगा तो ये आपका डिसरप्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, सेल्स खराब हो जाएंगी, वो हम चाहते नहीं है। बिकॉज यही सेल्स तो आगे चल के इलोंगेशन वाला एरिया बनाती है, यही आपके मैच्योरेशन वाला एरिया बनाती है। इलोंगेशन में आपकी इलोंगेटेड वाली सेल्स प्रेजेंट है, मैच्योरेशन में आपकी मैच्योर सेल्स प्रेजेंट है। मैच्योरेशन वाले एरिया से बनते हैं आपके रूट हेयर्स, जिसका काम क्या होता है, रूट हेयर्स बेसिकली आपके रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। क्यों मैम, क्या जरूरत पड़ गई इस बात की, क्या जरूरत पड़ गई? सरफेस एरिया बढ़ाने से जो अब्सॉर्प्शन है आपका वाटर एंड मिनरल्स का वो ज्यादा हो जाएगा। मैम ऐसा कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, हमारे को समझ में नहीं आ रही आपकी बात। इसको समझो, ये एक रूट है आपकी, ये आपकी रूट है, ये रूट टिप है, ठीक है, ये इलोंगेशन एरिया है, ये आपका मैच्योरेशन एरिया है। ये जो पेन है मेरे पास, इसको आप अपनी रूट मानिए। अब आप एक बात सोचिए, रूट का मेन काम है वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना, ठीक बात है, यस और नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक बात है, इसका काम है वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना। अगर मेरे रूट हेयर्स नहीं प्रेजेंट है तो मेरा एक्सेसिबल सरफेस एरिया सिर्फ इतना सा हुआ, जिस एरिया को मैं एक्सेस कर सकती हूँ वो इतना सा हुआ, एक्सेसिबल सरफेस एरिया इज वेरी लेस, ठीक बात है। अब अगर मैंने यहाँ पे रूट हेयर्स बना दिए, ये रूट हेयर्स इस साइड से, ये रूट हेयर्स यहां से बना दिए, नाउ एक्सेसिबल सरफेस एरिया फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज दिस मच, जहां तक मेरे रूट हेयर्स फैले हुए हैं वो सारे एरिया को मैं एक्सेस करके एंड वहां से वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर सकती हूं। तो बेहतर कंडीशन क्या हुई, रूट हेयर्स के साथ या रूट हेयर्स के बिना, बताओ, रूट हेयर के साथ या रूट हेयर के बिना, शाबाश, जल्दी बताओ, रूट हेयर के साथ। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, रूट हेयर का मेन फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना, ताकि जो एक्सेसिबल एरिया है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वो मेरा ज्यादा हो जाए, ताकि रूट एफिशिएंटली काम कर पाए। Am I clear? And ये root hairs कहाँ पे present है? बोलो मैम, maturation वाले area में present है। मैम please repeat कर दो, बिल्कुल कर देते हैं ऋचा यादव जी। आप समझिए, ये जो pen है ये आपकी roots है, ये आपकी root tip है, ये elongation है, ये maturation है। तो condition number one, जहां पे मेरी रूट्स में कोई रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं है, ये ही मेरी रूट है, तो जिस एरिया को एक्सेस करके, जिस एरिया से वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर सकती है ये रूट, वो कितना हुआ, सिर्फ इतना हुआ, सिर्फ इतना हुआ, ठीक है, नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, यहां पे आ जाओ, अब मेरे पास रूट हेयर्स प्रेजेंट है जो कि यहां पे ऐसे स्प्रेड होके पड़े हुए हैं रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स के आने से जो सरफेस एरिया है इस रूट का वो इतना सारा बढ़ गया है, विजुलाइज करो, सरफेस एरिया मेरा इतना हो गया है यहां तक का। अब इतना एरिया इज एक्सेसिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, तो रूट का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल को अब्सॉर्ब करना। कंडीशन नंबर टू में ज्यादा एफिशिएंटली कर पा रहा है, ज्यादा एफिशिएंटली कर पा रहा है, यस yes, तो रूट हेयर का फंक्शन है सरफेस एरिया को बढ़ा देना। एम आई क्लियर, जल्दी बता दो, एम आई क्लियर? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वन, विच इज मैच्योरेशन, मैच्योरेशन, क्लियर, यस और नो इन द कमेंट बॉक्स।
हाँ जी क्लियर, यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, मैचुरेशन एरिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। नीट 2017 का सवाल है जो आपसे पूछ रहा है, कोकोनट फ्रूट इज ए बेरी टाइप ऑफ फ्रूट है, कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट है, नट है या ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट है, या ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट है। हाँ जी, या आपका ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट है। हाँ, यस, शाबाश। आ जाओ एनसीईआरटी पेज नंबर 76, यहाँ पे आपने पहले भी कुछ ईयर मेंशन कर दिया था, बता दो मुझको, पहले भी कुछ ईयर मेंशन किया था, मैम ने आपको बताया भी था कि पहले के सालों में जो फ्रूट के टाइप है वो सारे फ्रूट के टाइप आपको याद करने पड़ते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ड्रूप पे ही क्वेश्चन आने लगा है, क्योंकि एनसीईआरटी माता ने मैंगो एंड कोकोनट दो एग्जाम्पल दिए हैं, ले दे करके इसी पे सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। तो आंसर इज ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट, बिल्कुल सही बात आकांक्षा, जो भी ईयर मेंशन किया था उसके साथ में आप ये एक और ईयर को मेंशन कर लेंगे, विच इज 2017, 2017 डन है। हाँ जी, शाबाश, सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, चलते हैं हम आगे। आंसर हो गया इसका ड्रूप, क्वेश्चन नंबर 17, 2017 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सारे बच्चे इस सवाल को एक सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, एक सेकंड में। हाँ जी, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स। भाई मैम तो आज की क्लास में बता चुकी है, निमेटोफोर्स आपकी रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं जो कि आपकी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। किस प्लांट में पाई जाती है मैम? हेलोफाइट्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल कोई आपसे पूछ ले तो मैम राइजोफोरा होता है। इसी इंफॉर्मेशन पे कितनी बार सवाल आ गया है, हमने देख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। हाँ जी, PYQ से हमारे को समझ में आ गया है सेम इंफॉर्मेशन पे कितनी बार सवाल पूछा गया है। हाँ जी, हेलो फाइट्स, तो क्या मैम को दोबारा बताने की जरूरत है? पेज नंबर 67, यहाँ पे आपने ऑलरेडी 2-3 साल मेंशन कर लिए हैं, यहाँ पे आप मेरे साथ में नीट 2017 भी मेंशन कर लीजिएगा। नीट 2017 मेंशन हो गया है मेरे बच्चों का, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, व्हिच इज हेलो फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आप कर चुके हैं नीट 2022 में, सेम एग्जाम्पल बेस्ड है ना ऋचा, है ना सुकृति, सुमन कुमारी, XYZ के नाम से एक बच्चा है, राणा जी। हाँ जी, जल्दी बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 का क्वेश्चन है, इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, लीफ का मॉडिफिकेशन है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इतना बता दो मुझको जरा, लीफ का मॉडिफिकेशन है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है। भाई हम बात कर चुके हैं, जो थॉर्न्स होते हैं वो वुडी स्ट्रक्चर होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट इनको बनाता है ताकि अपने आप को बचा सके, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज करता है फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, अपने आप को बचाने के लिए बनाता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है उसकी बात करते हैं, आपका थोन जो है इट कुड बी योर मॉडिफाइड स्टेम और इट कुड बी योर मॉडिफाइड लीफ ऑल्सो, दोनों के एग्जाम्पल्स आपने याद कर लेने हैं, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। मैम आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। आ जाओ पेज नंबर 68 पे, पेज नंबर 68 पे आ जाओ, जहां पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दिया हुआ है। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बोगनविलिया, तो सिट्रस एंड बोगनविलिया के केस में जो आपके थॉर्न्स पाए जाते हैं दे आर मॉडिफाइड स्टेम, ना की लीफ, दे आर मॉडिफाइड स्टेम ना की लीफ। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, यस और नो, जल्दी बताओ, एम आई क्लियर? हां जी, आ गया समझ, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, विच इज स्टेम, विच इज स्टेम।
भाई हमने 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्रिटी मच इस चैप्टर का सब कुछ कवर कर लिया है। सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप बच्चों ने ये लिखना है कि किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हम देख चुके हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम देख चुके हैं पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार सवाल पूछा जा रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक्स लिखने हैं जहां से कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आज की कक्षा में। बेस्ट कमेंट का मैं नाम भी लूंगी कल की क्लास में, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। इसके अलावा आकाश बायजूस नीट ने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज निकाली है जो 4 डिफरेंट पैकेज में आपकी प्रेजेंट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं बाय YT NEET 10, ये वाला आप कोड यूज कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आकाश बायजूस नीट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर एवरी प्रॉब्लम। यहाँ पे स्मार्ट प्लेलिस्ट है जिसमें कि सारे के सारे लेक्चर, आपके 1 से लेकर के सारे लेक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको आप देख सकते हैं। हमारी बेहतरीन सी टीम लगी हुई है आपको एम्स में अपनी एक सीट दिलाने के लिए, आपकी अच्छे रैंक के लिए तत्पर है, तैयार है हर वक्त। सुबह 10 से लेकर के रात के 8 बजे तक लगातार आपकी क्लासेस होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है आकाश बायजूस नीट का, दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लो। जो भी आपके पीडीएफ है, जो भी आपकी पर्सनल क्वेरीज हैं, जो भी आपके सवाल है, वो सब आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जो आज ही है शाम को 5 बजे, सारे बच्चे आ जाना, पंखुड़ी मैम के साथ में क्लास है, मजा आने वाला है। विल सी यू लाइव अगेन एट 5 PM। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सारे बच्चे मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, अपना ख्याल रखो। बाय बच्चों।